आसंता 23-24 भितरे बात्या संभावना एने आकलन करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र वैज्ञानिक उमाशंकर दास कहिछन्ति गतकाली सृष्टि होइतिबा घूर्णीबलय आहुरी घनीभूत हेउछि। उत्तर आंडामान सागर एवं पार्श्ववर्ती अंचलरे एहा वायुमंडलरे 5.8 किमी जाए व्यापिछि। लघुचाप क्षेत्ररे परिणत हेबा परे एहा पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। 22 तारीख बेलकु केन्द्रीय बंगोपसागर अवपात्र रूप नेब। परवर्ती समय पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल सामुद्रिक झड़ बात्यारे परिणत होवार संभावना रहुछि। 23 तारीख पर राज्य में बढ़िबो वर्षा। परवर्ती समय जमापड़ यार गतिपथ केड़े जाऊपर पाणीपाग विभाग सतर्क नजर रखी। 22 तारीख सका सुधा यह अवपात्र रूप नेब। सेपटे 22 तारीख गभीर समुद्र भितरक न जावाक मत्स्यजीवी को सतर्क कर भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एने सूचना दि जाएगी। संभाव्य बात्या जो पवन बेग 45-65 किलोमीटर मध्य रहीपे। समुद्र अशांत रहिबो तेणु परवर्ती निर्देश जाए समुद्र भितरक न जावाक बारण कर। बात्या गुजब नहीं उमाशंकर कहिछन्ति कि आईएमडी सठिक आकलन करिथाय। एहा 7 दिन आगरु ही पूर्वानुमान करा जायथाय। बात्या ने आगरु खबर प्रचार प्रसार प्रसारण द्वारा असाधु व्यवसायी माने बजार रे अस्थिरता सृष्टि करिवे तेणु ए सबकु नजर रखी आईएमडी आकलन करिथाय। तेब अंतर्जातीय पाणीपाग संस्था आक्यूवेदर पाणीपाग विज्ञानी जासन निकलसन एही ट्वीट बात्यार संभाव्य तीव्रता नहीं सूचना देउछि। तबे एही पाणीपाग विज्ञानी लिखिछन्ति जे आगामी 2 दिन भितरे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। एहा परे अधिक घनीभूत होई अवपात एवं ता परे सप्ताह शेष आड़क सामुद्रिक झड़ बा बात्यार रूप नेबो। से ट्वीट करी लिखिछन्ति जे एही बात्या उत्तर आंध्र किंबा ओडिशा किंबा पश्चिमबंग उपकूल रे लैंडफॉल करि पारे। एक गुरुत्वपूर्ण सूचना दे निकल्स कहिछन्ती जे बात्या सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म किंबा भेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रो रूप भी नहीं पारे। आज आम जो विश्लेषण कर विश्लेषण अनुसार उत्तर आंडामान सागर एवं निकटस्थ अंचल घूर्णिबलय रही यार प्रभाव में आसंता 48 घंटा मध्य दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एवं निकटस्थ आंडामान सागर अंचल गोटे लघुचाप क्षेत्र व लो प्रेशर एरिया सृष्टि हेबो। तापर धीरे धीरे यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग्क गति करके धीरे धीरे गोटे डिप्रेशन में परिणत होवार संभावना रही 22 तारीख सकाळ सुधा। तापर मध्य यह अवरोधी घनीभूत होकर गोटे बात्यार रूप नहीं पारे पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में किंतु एपर्यंत आम यहाँ स्पष्ट करना यहाँ नजर रखा जाए कारण बर्तमान गोटे घूर्णिबलय ही चित्र अधिक स्पष्ट हो जो लो प्रेशर व डिप्रेशन में परिणत हो यह क्यों अंचल दे गति करापड़ तेणु जिते आम एपर्त कहूना क्यों अंचल जीव बोली तेणु ओडिशा रे स्पेसिफिकली कौन यार प्रभाव रहा कह वर्तमान ठीक। गत काली जो घूर्णिबल सृष्टि होता जोटा दक्षिण आंडामान सगर और तार आखपाख अंचल सक्रिय था आज ता उत्तर आंडामान सगर और तार आखपाख अंचल सक्रिय रही गत काली तुलन में आज अधिक घनीभूत होती। गत काली तार जो उच्चता थिला पाखापाखी 3.1 किलोमीटर पर्यंत रही है आज 5.8 किलोमीटर पर्यंत यार जो व्याप्ति रही जहाँ अनुमान आगामी 48 घंटा मध्य यह गोटे लघुचाप क्षेत्र में परिणत होवार संभावना रही जोटा कि आमर रोचे पूर्व केन्द्रीय पार्श्ववर्ती जो रोचे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर ए अंचल में गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना जोटा कि 48 घंटा मध्य। तापर द्वितीय कथा होची आमर जो तार जो लघुचाप क्षेत्र में परिणत होगा पर यह धीरे धीरे कौन हम ना तार जो गतिर दिग पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करवर्ती समय 22 तारीख बेलू जिते बो केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल रोचे पहुँचा बेलू गोटे अवपात बा डिप्रेशन रूप नेबार संभावना रोचे एवं तापर जहाँ अनुमान करवर्ती स्थिति समय यह गोटे जो पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल गोटे सामुद्रिक झड़ बात्यार रूप नेबार संभावना रोचे। वर्तमान आमर जो आगामी 23 तारीख पर्यंत ओडिशा रे विशेष वर्षार प्रभाव नाही हालुकारु मध्यम धरण वर्षा जो लागी रही सेपरी वर्षा लागी रहिबो एवं गोटे दुईटी स्थान जोटा रही वर्षा ता छड़ा आमर जो मत्स्यजीवी मानू 22 तारीख बेलू
ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସେଥିରେ ଗଭୀର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚବିଶ ଭିତରେ ବାତ୍ୟା କୁହାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ତେଇଶରୁ ଚବିଶ ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆକଳନ ଜାରି କରିଛି। ମଡେଲ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମହାବାତ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୁଜବ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତୃତୀୟ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ୟାନିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିଥାଏ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାଧିକ ଏହି ଖବରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ନଜର ରଖିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି କେଉଁ ଉପକୂଳକୁ ମୁହେଇବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିବା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ନୁହେଁ, ଆମେ 18 ତାରିଖରେ ଆକଳନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମୟ ବି ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୁଜବ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଉପକୂଳକୁ ତାହା ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହିବୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଜବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 23ରୁ 25 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଉପକୂଳ ସହିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନା ହୋଇଛି।